अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हम करने वाले हैं नेमिंग ग्रिड एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था पोजीशनिंग, कि हम आपके पास जितनी भी डिस थी यानी कि उसको आप किस तरह पोजीशन सेट करके एक लेआउट रेडी कर सकते थे। ठीक है, उसके अंदर जैसा कि आपका ये यहाँ पे 6 डिस हैं, ठीक है, आप इनको सेट करके किस तरह लेआउट अपना रेडी कर सकते हैं आज हम देखेंगे। ठीक है, और वो भी जो कि आज हम वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर आपके पास है ग्रिड एरिया। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने जिस भी डिप के अंदर जाकर ग्रिड एरिया होगा, ठीक है, वहां पे जाके आपने एक नेम देना है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, इसके अंदर जाके आपने पुट करना है, देन आप उसको वर्क कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रिड एरिया। ठीक है, देन आपने यहाँ पे इसी का नाम दे लें आप। ठीक है, हेडर लिखा मैंने। ठीक है, इसी तरह आप तमाम जितनी भी डिव्स आप यूज कर रहे हैं वहां पे जाके आप उसका नाम यूज करें। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम जो है आपके पास होगा मेन्यू। ठीक है, बेहतर होगा कि आपके पास जहां पे यूज करो नाम, वही नाम यूज करो जो कि वहां पे डिव का है। ठीक है, बॉक्स 1 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 के बाद यहाँ पे आपके पास है साइड बार। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होगा कंटेंट, कंटेंट के बाद लास्ट पे आपके पास है फुटर। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आप इसको सेव करके रन करेंगे तो जो आपने यहाँ पे डिप्स ली हैं ये यहाँ से गायब हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं रहा कि आपने कौन सी डिप कहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मेन कंटेनर जो आपने क्रिएट किया है सिलेक्टर, ठीक है, उसके अंदर आप आएंगे, यहाँ पे इसकी सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे, उसका नाम है हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट। ठीक है, एरियाज हम लिया ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ डबल कॉलन के अंदर आपने जो भी पहले आप सेट करने थे, फॉर एग्जाम्पल हम हेडर लेके आएंगे। ठीक है, तो हम हेडर को यूज करेंगे, हेडर हम लेंगे यहाँ पे जितने कॉलम्स के अंदर आप इसको लेके आ जाते हैं, हम वहां कॉलम्स के हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, हेडर, ठीक है, हेडर, ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया। ये देखें यहाँ पे हेडर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे F12 की प्रेस करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रिड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये समझ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 6 कॉलम्स हैं तो ये यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे यूज करेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा मेन्यू, तो मेन्यू जो है वो भी आप सेकेंड रो के अंदर 3 कॉलम्स के अंदर सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एंटर दबा के, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप सेट करेंगे अपना मेन्यू। ठीक है, मैंने मेन्यू भी 3 बार लिया, 3 बार इसलिए लिया कि आपका ये 3 कॉलम्स के अंदर ही सेट होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है बॉक्स है, ठीक है, और साइड बार आपकी है। ठीक है, जो आपके बॉक्स है वो चाहते हैं आपका बॉक्स इधर कॉलम में आए, ठीक है, फर्स्ट में, और जब आपका बॉक्स जो है सेकंड कॉलम में आए, जो साइड बार है यहाँ से शुरू होगी और कंटेंट तक ये जाएगी। ठीक है, तभी आपका लेआउट जो है वो रेडी होगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड है यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपने लिया बॉक्स 1, ठीक है, देन आपने लिया बॉक्स 2, देन आपने लिया यहाँ पे साइड बार। ठीक है, इसको सेव करते हैं, हम सेव किया, यहाँ पे जाकर हमने इसको रन किया, ये देखें यहाँ पे आ चुका है। साइड बार जो है आप नीचे तक लेके आ जाते हैं कंटेंट के साथ, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे कंटेंट के साथ साइड बार यूज करेंगे। हमने लिया यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, देन लिया कंटेंट, ठीक है, देन लिया हमने साइड बार, ठीक है, और यहाँ पे शुरू पे भी हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। ठीक है, इसको सेव किया हमने और यहाँ पे आकर हमने इसको रन किया, ये देखें साइड बार आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास रहता है, ये देखें फुटर नहीं आ रहा, बिल्कुल स्मॉल सा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वो समझ नहीं रहा अभी तक, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो थर्ड नेम है वो यूज करेंगे आप फुटर,
फुटर भी आपको 3 कॉलम से करना चाहिए तो आप वहां पे लेंगे। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया। अब आपका यहाँ पे देखे नीचे फुटर भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर अब आप चाहते हैं कि आप जो हेडर है वो लास्ट जो कॉलम है वहां पे जाके रन ना हो, यानी कि ये सिर्फ ये 3 कॉलम्स के अंदर रन हो रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि आप ये 2 कॉलम्स के अंदर आए और यहाँ पे आपका गायब आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे हेडर है यहाँ पे जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप डॉट लगा देंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आगे इसको आप रन करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये गैप हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से शुरू में से इसको गैप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस हेडर को भी आप यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पे भी आप डॉट लगा दें। ठीक है, अब क्या होगा, आपका एक ही हेडर जो सेंटर वाले कॉलम में रन हो रहा है वही होगा, ये देखें। ठीक है, इसी तरह आप जोन सा रन करना चाहते हैं वहां पे उसका नाम देंगे और जोन सा आप रन नहीं करना चाहते वहां पे आप उसका नाम नहीं देंगे। ठीक है, मैंने जैसे इसका फिर से नेम दे दिया। ठीक है, इसको सेव करें और यहाँ पे जाकर इसको रन करें। ये देखिए रन हो चुका है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। ठीक है, ये आपका मेन्यू जो है, लेआउट जो आपका है वह रेडी हो चुका है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी इसकी पोजिशनिंग सेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल वे है। अगर छोटा वर्क है तो आप इसको जल्दी से यहाँ इसके तरीके से यहाँ से बहुत जल्द ही सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें और इस तरह की मजीद वीडियोज के लिए चैनल के साथ रहें।